जय माता जी के हुकुम। जय माता जी के हुकुम। खमा गणेश है, स्वागत है हुकुम गो भारत पर। और पहले तो हुकुम आप अपना शुभ नाम बताएं। श्रीमान, मेरा नाम है नाथू सिंह, स्नप से हरीश सिंह दुदुआ। हुकुम। और दुदुआ ये अपने तहसील कौन सी हुकुम? तहसील सायला सर। और जिला जालो? जिला जालो। अच्छा अच्छा। और आपके फार्म हाउस का क्या एड्रेस है? फार्म हाउस का एड्रेस है राठौर स्टेट फार्म, ठिकाना दुदुआ। अच्छा, ये दुदुआ गाँव से थोड़ा बाहर पड़ता है ना? हाँ सर, थोड़ा 2 किलोमीटर दूर गांव से आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके पास फिलहाल हुकुम कितने घोड़े घोड़ी रखवाते हैं, कितने जानवर है? हमारे पास ये सर एक तो ये ऑस्ट्रेलियन घोड़ा है। अच्छा, ये तो ऑस्ट्रेलियन हुकुम। इसके अलावा इस पे तो मैं आऊँगा ही, लेकिन इसके अलावा जैसे टोटल अभी कितने रखते हो? टोटल से मेरे फार्म में 7 घोड़े। 7 घोड़े? हाँ सर। और उसमें मतलब बछेरियाँ हैं कि सारे घोड़े या घोड़े? एक बच्ची है सर 8 महीने की, और दो बच्चा है 2-2 साल के। अच्छा अच्छा। इस घोड़े का बच्चा? तो एक बात बताइए हुकुम, आप कब से रख रहे हैं घोड़े घोड़ी? हम सर घोड़ा 50 साल से रखते। मतलब आपके फादर भी रख रहे थे? हाँ सर। और दादू साहब के समय से? हाँ सर। हुकुम हुकुम। तो अब हुकुम इसकी डिटेल, ये जो ऑस्ट्रेलियन है। हाँ सर। क्या नाम है हुकुम इस घोड़े का? भवानी सिंह जी हुकुम, इस घोड़े का नाम है सर मोर मुकुट। मोर मुकुट? हाँ सर। अच्छा, मोर मुकुट का मेरे किसी ने और भी बताया था, नाम सुना था मैंने। हाँ सर। अच्छा, तो ये अभी मतलब इन सर्विस है घोड़ियों पे खोला हुआ? हाँ सर, ये घोड़ियों को ब्रीड वास्ते सर। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, खोला है आपने घोड़ियों पे? इसका रिजल्ट भी आया है? हमारे फार्म पे 2-3 घोड़ी खोला, और हमारे पास में 2-4 गाँव में उसमें 2-4 घोड़ी को खोला। अच्छा रिजल्ट आई है। अच्छा, आस पास भी आप? हाँ सर, आस पास में। हुकुम हुकुम। तो अभी उसकी उम्र क्या है? उम्र है 5 साल। 5 साल? हाँ सर। अच्छा, और इसके मतलब सायर और डैम माँ बाप की साइड की क्या डिटेल है? बाप फादर के बारे में बात बताए तो दिलबाग है सर, गजेंद्र सिंह जी के घोड़ा था ना। डायरेक्ट दिलबाग का है? डायरेक्ट दिलबाग। अच्छा। और दिलबाग आलिशान का? अच्छा, दिलबाग जब पोषणा में था उस समय? हाँ, उस समय ब्रीड हुई थी, बाद में पंजाब चला गया। हाँ, पंजाब तो अभी 2 साल हुए। तो उस समय का है। और इसकी माँ की डिटेल? माँ है मणियों की। उच्च? अच्छा, मणि लाइन की है? मणि लाइन की सर। तो वो घोड़ी आपके घर की थी कि कहीं? घोड़ी साहब मेडावास से आई थी घोड़ी, वो मेघलवा पे। अच्छा। हुकुम सिंह जी दिया राजपूत। अच्छा। उसके पास उसकी बच्ची थी, वो घोड़ी तो पंजाब से ले गई, आज से 30 साल पहला बिकी थी 2.5 लाख में सर। अच्छा, उस समय? उस समय उसकी बच्ची मणि की थी, वो घर पे थी हुकुम सिंह जी के। अच्छा। उसने ब्रीड कराई थी पोषणा दिलबाग घोड़ा। अच्छा। उस घोड़ी का बच्चा मैंने खरीद लाया था। अच्छा अच्छा। ये तो अभी मोर मुकुट तो आपके यही ब्रीड हुआ? हाँ, हमारी यही। हाइट क्या है हुकुम इसकी? हाइट ऐसा 63 की। अच्छा। 63। और इसकी मार्किंग होगी सामने? दो पैर सफेद है सर, और पूरा पट्टा, पीछे वाले दोनों पांव सफेद है ना? हाँ। अच्छा, तो ये तो अपने ब्रीड के हिसाब से ही रख रखा है? हाँ सर, हम ब्रीड के हिसाब से रखा है। ये सेल हमारे घोड़ा ने करना है। कल भी पालती आई थी चंडीगढ़ की। अच्छा। उसने मांग की उस घोड़े की, कोई नया फार्म खोद रहा है। अच्छा अच्छा। पंजाब से? हुकुम हुकुम। तो हमारे गांव वाले ने 2-3 घोड़े सेल कर दिए। हाँ, सारे ही सेल कर देंगे तो फिर अपने पास बीज कौन सा बचेगा? बीज कौन सा बचेगा? हाँ, ये हुकुम सही बात है। इस तरह से ये हमारा सेल नहीं करना। अच्छा, मूल होगा तो शाखाएं और आएगी। हाँ, खत्म हो गया तो शाखाएं कहाँ से आएगी? शाखाएं कहाँ से आएगी? राइट बात हुकुम। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम। हुकुम खमा गणेश सर। I don't know.